कर्नाटक में कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। दर्जनों चुनावी वादे भी किए गए। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में तीन ऐसे ऐलान किए हैं जिसे लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, उनका हल्ला बोल। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि वो सत्ता में आने पर बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन को बैन करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कर दी है। कांग्रेस ने मुसलमानों के 4% आरक्षण को बहाल करने का वादा भी किया है। बीजेपी सरकार ने 2 महीने पहले ही ये आरक्षण खत्म किया था। ये तमाम वो वादे जिस पर अब विवाद बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस के चुनावी वादे का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज चुनावी रैली में जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुए तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। और बेंगलुरु से जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार हम कांग्रेस और बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है और जो तरीका है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप कई बार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, पर आज जब बजरंग दल का जिक्र आया तो बीजेपी ने एक बार फिर बड़े ही स्मार्टली इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा जो है अब वो फिर एक बार ध्रुवीकरण पर आकर अटकेगा। क्या कह रहे हैं लोग जो जमीन पर मौजूद है, रवि त्रिपाठी? स्वप्ना, अभी मैं सुन रहा था आपको, आप महाराष्ट्र की राजनीति में बाउंसर का जिक्र कर रही थी कि बाउंसर फेंका गया है, तो कर्नाटक की राजनीति में अगर बात करें तो यहाँ फुल टॉस की बात हो रही है। आप याद कीजिए कि 27 तारीख को जब मैं आपके साथ लाइव खड़ा था, जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था, उस वक्त एक बाउंसर फेंका गया था और आज कांग्रेस पार्टी ने दोबारा एक फुल टॉस फेंका है और उस फुल टॉस पे छक्का लगाना प्रधानमंत्री की आदत है। वो जानते हैं कि जो कमजोर बॉल आएगा उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार गलती करती जा रही है और इन गलतियों का फायदा बीजेपी को हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि आज बड़ी गलती हुई है। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर बहस चल रही है कांग्रेस पार्टी में। जो इंटेलेक्चुअल नेता है सो कॉल्ड, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी कोई गलती हुई है। ये सही है, जैसे आपने देखा कि पवन खेड़ा उसका बचाव कर रहे हैं, दिल्ली बैठे, यहाँ चिदंबरम जैसे नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लेकिन वो भी ऑफ कैमरा बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा वो भी मानने को तैयार नहीं है कि गलती है। लेकिन जनता ये मान रही है और जो भी लोग हैं कांग्रेस के कुछ नेता मान रहे हैं कि ये बड़ी गलती अपनी तरफ से हुई है, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर बजरंग दल का जिक्र नहीं करते तो शायद उससे ज़्यादा फायदा होता। आप केवल संगठनों का जिक्र करते कि जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते, तो प्रधानमंत्री को जाहिर तौर पर मौका मिलता। कहीं ना कहीं जो पीएफआई का जिक्र भी कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, पीएफआई के क्या कारनामे रहे हैं इतिहास में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बजरंग दल के ऊपर इस तरीके का कोई आरोप या कोई इस तरीके की बात बजरंग दल के लिए नहीं कही गई है कि एक आतंकवादी संगठन से, पीएफआई जैसे संगठन से आप बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस आत्मघाती बम दस्ते का मैं हमेशा जिक्र करती हूं कांग्रेस का, सेल्फ गोल मारने में महारत है, हासिल है इस पार्टी को, और एक बार फिर ये सेल्फ गोल है कांग्रेस का।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सेल्फ गोल ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसी गलती आप करते हैं जिससे विपक्ष को फायदा होता है, जहां चुनाव आप आगे दिख रहे हैं। आज की डेट में अगर चर्चा कीजिए, आज नहीं, आज से 5 दिन पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और कर्नाटक में पिछले 30 साल से अगर आप ट्रेंड देखें तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार JDS, मतलब कहीं ना कहीं सरकार बदलने का रिवाज रहा है, सरकार रिपीट नहीं होती है। इस वजह से लोग मानते थे कि कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देखा, पूजा पाठ से आप शुरू कर रहे हैं और आप बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो कहां ये कहीं सिमिलैरिटी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का मिलाकर कुल मिलाकर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसको आप नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाली जो पार्टी है, हिंदुत्व की बात करने वाला जो दल है बजरंग दल, उसी को बैन करने की बात चल रही है। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर एक बार आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PFI पर केंद्र सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने PFI का दोबारा बैन लगाने का जिक्र आखिर क्यों किया। इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस PFI से बैन हटाना चाहती है। सुन लेते। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताइए, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते, तो PFI पर से बैन हटा लेंगे। मेरी बात याद रखना, एक कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का ATM बनाया केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है।